जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव भारत के सभी बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन कलयुग के देवता हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी शक्ति भक्ति के साथ साथ ही बल के भी स्वरूप हैं, जिन्हें हम राम भक्त के रूप में भी जानते हैं। हनुमान जयंती के दिन भक्त श्रद्धालु रामायण सुंदरकांड या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। आज के दिन मैं आप सभी को बहुत ही ज्यादा खास उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही करना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो अगले दिन से ही आपका पूरा जीवन पलट के रख देगा। 6 अप्रैल 2023 को इस साल हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बार एक ऐसा संयोग बन रहा है जो पिछले 16 सालों में कभी नहीं बना है। इस साल अगर आप हनुमान जयंती के दिन बजरंग बलि की थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं और एक छोटी सी विशेष उपाय जो मैं आपको बताऊंगी उसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी वर्षों की कठिनाई पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के ही 11वें अवतार हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी पृथ्वी पर हनुमान जी निवास करते हैं, जिससे कि संसार का कल्याण हो सके। चिरंजीवी देवता कहलाते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन पूजा पाठ कर लेता है, कोई भी उपाय कर लेता है, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में मंगल ही मंगल अवश्य होने लगता है। तो ध्यान से मेरे द्वारा बताए गए पूजा विधि को ध्यान से अपने मन में उतार लीजिए, सुन लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। हनुमान जयंती को बस एक बार इस विधि से आपको पूजा जरूर करनी है, आपकी सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। हनुमान जयंती है तो वैसे तो हर साल आती है, तो साल के इस खास दिन आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। ऐसा योग वर्षों में एक ही बार आता है, तो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अवश्य ही कर लें, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही हो या फिर लंबे समय से प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कर लें, क्योंकि ऐसा चांस सबको नहीं मिलता है। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं या फिर इस उपाय को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इन उपायों को आप सुन लीजिए। मैं 2 से 3 उपाय आप सभी को बताने वाली हूँ। एक भी उपाय अगर आप पूरे मन से कर लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही इन उपायों को करना होगा। सबसे पहले हम उन्हीं लोगों के लिए उपाय बता दे रहे हैं जो काफी निराश हो चुके हैं, किसी भी बात को लेकर परेशान रहते हैं, हर बात में वो हार मान चुके हैं, जीवन में हार मान चुके हैं, अब उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को सुबह के समय, ध्यान से सुन लीजिएगा उपाय को, ऐसे लोगों को सुबह में नहा धोकर लाल वस्त्र धारण कर लेना है और थोड़ा सा चमेली का तेल आप मिट्टी के बर्तन में रख लें और उसमें आप डालें थोड़ा सा सिंदूर। थोड़ा सा लेकर आपको घर के आसपास अगर कहीं पर भी हनुमान मंदिर है वहां आप चले जाएं, वहां जाकर आप चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर हनुमान जी को लगा देना है। तेल और सिंदूर का लेप लगाने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पर बैठकर 11 बार आपको पाठ करना है। ऐसा करने से व्यक्ति के सारे मंगल दोष ठीक हो जाएंगे और उसके जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जो बोलने वाली हूँ उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। हनुमान चालीसा में हर कोई गलती करते हुए आ रहा है, यहाँ तक कि मैं खुद उस चीज की गलती कर रही थी इससे पहले, लेकिन जब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, आप सभी के कमेंटों को मैंने पढ़ा, जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब फेक है, तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तब मैंने शास्त्रों में और अच्छे अच्छे बुक्स में जब पढ़ा तो मुझे पता लगा कि हम सभी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो गलती मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिए। हनुमान चालीसा को आप सभी अच्छे से एक बार भी पढ़ेंगे ना तो उससे असर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम गलती करके पढ़ रहे हैं तो असर कैसे दिखेगा। ऐसे में आप सभी उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। हनुमान जयंती का दिन इतना विशेष होता है कि आपको सिर्फ इस दिन एक ये उपाय करना है, 100% आपको इसका फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा का जो आप पाठ करेंगे, कल की वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप सभी ने उस गलती को सुधार लिया होगा, दोहराया नहीं होगा। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो अभी जाकर इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। जिस घर में हनुमान जी का आशीर्वाद होता है उस घर में काल भी प्रवेश करने से डरता है। आर्थिक उन्नति के लिए उपाय सुन लीजिए। आपको बस इतना ही करना है कि किसी भी हनुमान मंदिर में आपको चले जाना है। नहा धोकर अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर। लेकिन जाने से पहले आपको सरसों का तेल और सिंदूर लेकर जाना है। ऑरेंज रंग का जो सिंदूर आता है वो आप लेकर मंदिर में पहुंच जाएं और हनुमान जी को आपको उसका लेप लगाना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद आपको 11 बार मंदिर में ही बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसके बाद घर आकर उसी लाल सिंदूर से, जी हाँ दोस्तों इस उपाय को अच्छे से सुनिएगा, जिसमें आपने पहले हनुमान जी को लेप लगाया, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद आपको घर आ जाना है और उस लाल सिंदूर से घर के बाहर मुख्य द्वार पर दाहिने तरफ स्वास्तिक का निशान बना देना है। ये उपाय अगर आपने इस हनुमान जयंती पर कर लिया तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक उन्नति पूर्ण रूप से तय है। और अब सबसे ज्यादा जरूरी जो उपाय है, जब सबसे खास उपाय जो है वो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। रोग से बहुत ज्यादा परेशान है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई है, हर तरफ से हार मान चुके हैं, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो ऐसे में आपको चिकित्सक उपाय के साथ साथ ही इस उपाय को अवश्य करना है। हनुमान जयंती यानी कि 6 अप्रैल के दिन आपको 11 रोटियां रोगी व्यक्ति के हाथों से काले कुत्ते को खिला देना है। अगर रोगी व्यक्ति 11 रोटियां काले कुत्ते को खिला देता है तो मानकर चलिए दोस्तों, हनुमान जयंती के बाद से ही उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और 11 दिन के अंदर उसे रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल चुकी होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। इनमें से जो भी उपाय आपको पसंद आ रहा है वो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए उपाय है वो आप कर सकते हैं। और एक बात और फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ने में जो गलती कर रहे हैं आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा उपाय पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जय श्री बागेश्वर धाम जरूर कमेंट में लिखें ताकि आपको बागेश्वर धाम की कृपा मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि बागेश्वर धाम हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।